हाय हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, घर के छत पर यानी कंक्रीट पे पोल कैसा खड़ा करते हैं ये देखेंगे इस वीडियो में। तो इसी पर आज का टॉपिक है हमारा। तो दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल, आप देख रहे हैं SS Alt Tech 99 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग मुझे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। जो भी नए हैं, जो भी फॉलो नहीं किया, जाके फॉलो कर सकते हैं। उधर पर भी मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमने इसके लिए 12mm का प्लेट लिया है, 8x8 inches का है और एक प्लेट का कास्ट आके 300 rupees है। तो सबसे पहले हमने प्लेट पर मार्किंग कर लिया है। ये 3x3 का पाइप है और उसको रख के वेल्डिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे। तो दोस्तों, ऊपर साइड के लिए जो बोल फिटिंग के लिए यूज़ करते हैं क्लिट, उसी को यूज़ किया है हमने। ये 6mm का प्लेट है और ये 5x2 inches का प्लेट आता है और इसका कास्ट है 70 rupees। तो इसको भी अच्छी तरह वेल्डिंग करने के बाद फिटिंग के लिए जाएंगे। तो दोस्तों, हमने इस काम के लिए 16mm का एंकर बोल्ट लाया है यानी फास्टनर, और ड्रिल बिट भी सेम साइज का रहेगा। तो हमने पोल खड़ा करके मार्किंग कर लिया है और चारों होल डाल रहे हैं। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि ज्यादा अंदर नहीं डालने का, 3 inches या 4 inches लास्ट है, नहीं तो कंक्रीट स्लैब वही 6 inches का रहता है। तो इसलिए 3 inches या 4 inches ही होल डालना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने 16mm का एंकर बोल्ट यानी फास्टनर लाया है, तो ड्रिल बिट भी सेम साइज का 16mm का ही होल डालना पड़ेगा। अगर आपके पास 18mm है या उससे भी कम है तो उसी प्रकार उसी साइज का होल डालना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने इस काम के लिए 16mm का एंकर बोल्ट लाया है यानी फास्टनर, और इसे हमें थोड़ा अच्छा से ठोक लेते हैं, क्योंकि बोल्ट बाद में सही से अंदर जाके फिटिंग होने के लिए, कभी कभी क्या होता है स्लिप हो जाता है, तो इसीलिए हमने थोड़ा ठोक के बाद में इसको फिटिंग करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, हमने किस तरह हल्का हल्का से ठोक दिया है और इसी को अभी डाल के टाइट कर देंगे। तो दोस्तों, एंकर बोल्ट ठोकते समय ध्यान रहे कि एकदम इसको बराबर रख के ठोकना, अगर थोड़ा भी बेंड हो गया तो ये खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और कुछ काम का लायक का नहीं रहेगा।
तो दोस्तों हमने 23x22 शेड के लिए चार ही पोल डाले हैं और ये चार पोल पर पूरा शेड डाले हैं। तो इसको वीडियो फुल वीडियो आने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पे प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। जितना जल्दी हो उतना जल्दी मैं इसका फुल वीडियो अपलोड कर दूंगा इस चैनल पर। तो दोस्तों हमने चारों पोल खड़ा कर लिया है और एंकर बोल्ट अच्छे तरह से इसको फुल टाइट कर लिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका फुल वीडियो आने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पे प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इस चैनल पर आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।